मिल गया पुष्पा मैं। अब मैं उस सुपर शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिमनासा का अंत करेगी। परी, आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं विवान, जब ताली और तौबा तौबा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें ना ये छोटे छोटे यंत्र मिले, इनमें से ठंड निकल रही। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, उनको मारो डंडे तो। तुम सब हो घमंडी, मुझको लग गई गॉड ब्लेस यू। वही परी, अब तक मस्ती परी के ऊपर से उस बुद्धिनाशक बल का असर खत्म नहीं हुआ? असर कम हो रहा है विवान, लेकिन मस्ती परी को ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। ओके। वैसे आप ये यंत्र तो लेकर आ गए, लेकिन अब तक ठंड कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि टिम्मी आंटी हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। तो विवान, तुम ये कहना चाहते हो कि तिमनासा ठंड फैलाने के लिए कोई और तरीका प्रयोग कर रही है? डेफिनेटली यही बात है। एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर जाकर नजर रखिए, तब तक मैं टिम्मी आंटी को टटोल कर पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे मस्ती भरी, आप यहाँ क्यों रुक गई? अरे बाहर कितनी ठंडी है, मुझे गर्म रहने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। अरे अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुकिए। विवान, क्या हुआ? तू किसे रुकने के लिए कह रहा है अंदर? अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। करुणा जी, अब आप यहाँ हैं तो फिर विवान किससे बात कर रहा है? मतलब स्ट्रेंज, कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब हमारे लंदन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे यू नो 13-14 इयर्स ऑफ एज गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, एडवांस होते हैं थोड़े। विवान की तो कोई गर्लफ्रेंड? मे बी, आई डोंट नो, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए, वरना बहुत बड़ा लूट हो जाएगा। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। विवान, कौन है तुम्हारे साथ रूम में? हाँ, 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 मम्मी बोलिए। बोलो, नहीं सुनो, अगर अकेले हो तो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अंदर कोई भी नहीं है मम्मी। अगर मम्मी ने मस्ती भरी को देख लिया वो भी उड़ते हुए, तब तो इनको श्योर पता चल जाएगा कि मैं ही बालवीर हूँ। क्या करूँ अब? लोग तो मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, तुम उल्टा मंदिर से ही फूल लेकर आ रहे हो। स्ट्रेंज हाँ? स्ट्रेंज नहीं, सिंपल है। ये फूल प्रूफ है इस बात का कि अब मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कैसा मिशन? कहते हैं समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। जो भी कर रही हूँ बहुत जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। सही समय को और वेट नहीं कर सकती मैं, आज तुम्हारा मास्क उतार के ही रहूंगी। अरे नकाबपोश! अनन्या, अनन्या आंखें खोलो, अनन्या
अब मैं क्या करूं? उस पर अमर लेकर ध्रुव तारे पर जाऊं, उस लेडी से मिलूं, या फिर इसे संभालूं? एक तरफ तिमनासा के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करनी है और दूसरी तरफ लेकिन इस हालत में मैं यहाँ अनन्या को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या देख रही हूं मैं? कोई भी तो नहीं है यहां पर। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूं, कौन है? कोई भी नहीं है यहां पे। थैंक यू वायुपुरी, वरना तिमनासा का मेरा ही एंड गेम हो जाता। लेकिन विवान, हमने खुद सुना था कि तुम्हारे रूम से किसी की आवाज आ रही थी बात करने की, है ना करुणा जी? हाँ, किसी और की भी आवाज आ रही थी। किसकी आवाज थी विवान? किसी और की आवाज नहीं, वो एक्चुअली है ना मेरी आवाज थी। वो क्या है ना, स्कूल में एक प्ले होने वाला है, तो उसमें मेरा डबल रोल है, सो आवाज भी। और क्या नाम है तुम्हारे इस प्ले का विवान? प्ले का नाम घर में गुस्सा है चोर। अच्छा ठीक है, जो भी तुझे रिहर्सल करनी है ना, ये वाली जैकेट पहन के कर। ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठंड लग गई तो? हाँ हाँ, डायलॉग कैसे बोलेगा? हाँ, अब रिहर्सल कर, ठीक है? या तनिषा, तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था। मेरे पैतरे अभी तक खत्म नहीं हुए। ये टिम्मी आंटी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। एनीवेज, अब कम से कम एक घंटे तक मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो लगेगा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अब मैं आसानी से बाहर जा पाऊंगा। विवान! मैं क्या कह रही थी कि तू यहाँ अकेले क्यों रिहर्सल कर रहा है? बाहर आना, सबके साथ मिलकर रिहर्सल कर, हम तेरी हेल्प करेंगे रिहर्सल करने में। क्या, कैसा आइडिया? अच्छा है ना, तनिषा का है। चल चल चल, आ जा। अच्छा हुआ किसी ने मुझे खिड़की से अंदर आते हुए नहीं देखा, मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या, मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। प्लीज रुक जाओ ना दोस्त।
रेस्ट तो अब तुम करोगे नकाबपोश। इस सुई में बेहोशी की दवाई थी जो अब मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है। हेलो नकाबपोश, हेलो। सॉरी दोस्त, तुम्हारी पहचान के बदले मुझे मेरी आज़ादी मिल रही है, इसलिए मास्क तो अब उतारना ही पड़ेगा। चल चल विवान, शुरू कर। क्या? अरे क्या क्या, तुम्हारे नाटक की रिहर्सल्स शुरू करो। वो प्ले की रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है मेरी। पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है। क्या डायलॉग है? भाई बेटे। अरे हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, हंस नहीं रहा हूँ, यही डायलॉग है। है? अब अरे वो सब जोड़े ना दादाजी, आप कोई कहानी सुनाई है ना? अरे जरूर जरूर बेटा, मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई है क्या? हाँ दादाजी, कई बार सुनाई है आपने। वो भी मेरी तरह चंचल और स्वीट थे, am I right? बिल्कुल राइट। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की दो माएं थी। दो माएं? हाँ, एक थी देवकी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और एक थी यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि दादाजी पूरी कृष्ण लीला सुनाने लगे, मुझे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है बैग? कुछ नहीं, मैं तो बस वो चेक करने जा रहा था कि टेरेस का दरवाजा बंद है या नहीं। अरे विवान, मैंने खुद को शॉल में बंद करके रखा है, तुम्हें टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा? हाँ वो भी है। मैं अभी आ रहा। अब क्या बहाना है विवान, कहाँ जा रहा है? अरे बहाना नहीं है मम्मी, वो मैं मम्मी समझ गए ना, नेचर स्कूल है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। बहू इसकी बात बिल्कुल मत मानना हा? ये बहाना बता के बाहर जाने को उतावला हो रहा है। अरे नहीं नहीं दादाजी, बाहर जाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, और इमरजेंसी है, और अगर नहीं गए तो यही दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जा बाथरूम, लेकिन वहां से सीधा यही आना। तो हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगा मैं। ये लीजिए अंकल और करुणा जी, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। देखा बहू, इसे कहते हैं संस्कार। लंदन में रहकर भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूली है तनिषा बेटी। हाँ पापा जी, आज देखें तो सही लंदन स्टाइल की चाय कैसी होती है। तनिषा बेटी, तुम भी यहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पियो ना। अरे नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं अभय के लिए लेके आई थी, बट ही इज बिजी इन सम ऑफिस वर्क। तो तुम्हारी फैमिली के साथ मैं कितना घुल मिल गई हूँ कि इन्हें अगर मैं कप में जहर भी दे दूँ तो भी ये खुशी खुशी पी जाएंगे। ये तमन्ना खुद चाय क्यों नहीं पी रही है? कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे कहाँ है चूहा? गया। तो तू भी जा। कहाँ जाऊँ मैं? बाथरूम जा रहा था ना? हाँ हाँ बाथरूम जा रहा था। बाय बाय। I'm so sorry तनिषा। चाय करुणा जी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। नो! अरे क्या नो? क्या नो?
वो दादाजी कहते ना अतिथि देवो भव। तो फिर हम अपने गेस्ट के पास से चाय कैसे बनवा सकते हैं भला, है ना? बात तो तुम सही कह रहे हो विवान, लेकिन अगर मैं इस घर की गेस्ट होती तो मैं अभय के साथ किसी होटल में रुकती ना, इस घर में थोड़ी ना आती रहने के लिए। टम्मी आंटी तो मेरी हर गुगली बार पर सिक्सर मारे जा रही, व्हाट टू डू, अब क्या करूं? बिल्कुल ठीक कहा तनिषा बेटी। अरे बट दादाजी बोलो नहीं सुनो, तू अचानक अपना टॉयलेट ब्रेक छोड़कर हमारे टी ब्रेक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ तू बाथरूम जा रहा था ना, जा। मैं दूसरी चाय बनाकर लेके आती हूँ। बाथरूम यहाँ नहीं वहाँ है। हाँ दादाजी वो पता है, लेकिन मुझे लगता है ना वो नेचर का मिसकॉल था। तेरा तो नेटवर्क ही डाउन है। अरे तो फिर किचन में क्या करने जा रहा है तू, इधर आके बैठ। वो मैं तनिषा आंटी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उनको थोड़ी ना पता होगा कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है, कहीं गलती से चाय में चीनी की जगह नमक ना डाल दे, है ना? क्या हुआ? मिस कर रहे थे अपनी टिमी आंटी को। तिमनासा तुम मेरे रहते मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं इस चाय के अंदर जहर मिला के तुम्हारे घर वालों को मारना चाहती हूँ? तिमनासा इसी वक्त मेरे घर जाओ, टूटो। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। वैसे तुम कैसे आउट करोगे मुझे तुम्हारे इस घर से? अपने दादाजी को ये कह के कि वो अपने बचपन की दोस्त की बेटी को घर से बाहर निकाल दे, या अपनी मम्मी के सामने मेहमानों को घर से बाहर निकालने की बदतमीजी दिखा के, या फिर अपनी माँ के सामने बालवीर बन के आओगे? लेकिन मैं बताती हूँ कि तुम मुझे अपने इस घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो। अपने उस नकाबपोश दोस्त से जाकर कहो कि वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और इस दुनिया में शीत युग को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि धरती सही सलामत रहे तो तुम्हें ये संदेश अपने दोस्त को तो देना ही पड़ेगा ना। बस इतना काम करना है तुम्हें। ये लो अपनी माँ को चाय पिलाओ। तो ये है तिमनासा को ओरिजिनल प्लान। मुझे दोस्त को टिम्मी आंटी के इस गेम प्लान से बचाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी सुई से तुम मुझे बेहोश कर दोगी? तुमने मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? रिलैक्स यार, मैंने जो भी किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। मैं? हाँ तुम। कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हें कि तुम अपना फेस मुझे दिखा दो, पर तुम की टालते ही जा रहे हो और मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जा रही है। अच्छा सॉरी यार, मैं ना बचपन से क्यूरियस कैट टाइप्स हूँ,
मुझसे कोई मिस्ट्री ज्यादा देर तक सहन ही नहीं होती। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? नहीं मानना है तो मत मानो। देखो अगर मेरे सच में कोई बैड इंटेंशंस होते तो मैं तुम्हें पॉइजन वाली सुई देती ना, मैं बेहोशी की सुई क्यों देती तुम्हें? अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या ब्लफ कर रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा? ओ हेलो, ऐसे मेरे हाथ पकड़ने का मतलब क्या समझूं मैं? यही कि इस बार मैं तुम्हारी मिस्टेक को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन अगर वापस यही गलती की तो मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ये लॉकेट कहीं तो देखा है मैंने, कोई तो जाना पहचाना चेहरा है इसके पीछे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।